129 में भाग देना है भाई जी, कितना से? चलिए तेरनामा 117, यानी शेष फल कितना आ गया? तो माइनस 12 भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? प्लस, सिखाए थे तेरनामा 117 यानी शेष फल कितना आ रहा है। अब 12 को माइनस से गुना करते शेष फल माइनस 12 भी होगा और क्या होगा? तो ऑप्शन में जल्दी देखिएगा क्या ऑप्शन में प्लस 1 है, फिर से कोई गड़बड़ी ना हो, अहरबड़ी भी ना हो। 129 में आपको 13 से भाग देना है, तो आप लोगों ने कहा 13 से भाग देंगे, तेरनामा 17 से शेष फल कितना? अब 12 को माइनस से गुना करेंगे, शेष फल माइनस 12 आ रहा है, तो माइनस 12 भी बोल सकते हैं और प्लस 1। माइनस को प्लस में बदलने की तरीके सिखाए थे, क्या सिखाए थे? दोनों जोड़ करके 13 होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए क्या प्लस 1 है। चलिए फिर से, मैंने आपसे कहा विद्यार्थी जी 13 को 10 बार करेंगे, 13 10 30 से देखिए तो माइनस 1 आ रहा है। अब माइनस गुने माइनस, अर्थात हम लोग को शेष फल प्लस 1 हो रहा है, बोलते ही नहीं है। 4 के विभाजिता का नियम है सिर्फ अंतिम 2 अंक, तो भाई अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 3 लिख दें, 4 से भाग दीजिए, जल्दी बोलिए, 3 लिख दें, 4 से भाग दीजिए 1, बहुत अच्छा, 4 से भाग दीजिए 1। अब गुना करने आ जाएगा तो 9 में 4 से भाग दीजिए, तो हम लोग का आंसर 1 नहीं आया। चलिए अब इतना कमजोर भी मत बन के पढ़ना भाई, 4 से भाग देंगे 3 में तो यहां माइनस 1 भी बोल सकते हैं, 4 से भाग देंगे 59 में माइनस 1 बोल सकते हैं, 4 से भाग देंगे 89 में तो प्लस 1, भाई 88 1 होगा ना, 4 से भाग देंगे 9 4 36 1 होगा ना जी। अब गुना करिए तो आंसर कितना आ रहा है विद्यार्थी जी? तो प्लस 1, अर्थात आपका आंसर ए हो जाएगा। 20 के लिए मैंने क्या सिखाया था? अंतिम 2 अंक। अगर 50 के लिए पूछेंगे अंतिम 2 अंक, 25 के लिए पूछेंगे, क्यों भाई? क्योंकि ये सारे 100 के ही फैक्टर है, सही है। अगर 125 के पूछेंगे 3 अंक, नहीं, 250 के भी पूछेंगे 3 अंक, 500 के भी पूछेंगे तो अंतिम 3 अंक, सही है। तो 20 के लिए अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक में भाग देगा 20 60, शेष फल कितना? मान 20 शेष फल, जल्दी बोलिए आगे 20 से भाग दीजिए, शेष फल 4, सही है। 20 से भाग दीजिए, -7 भी बोल सकते हैं नहीं, अब 20 से भाग दीजिए 8, प्लस माइनस लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए, -7 + 7 कैंसिल, +8 - 8 कैंसिल, बच कितना गया फिर से बता दो। चलिए 20 से भाग दीजिएगा, शेष फल हो गया 12, सही है। 20 से भाग दीजिएगा, शेष फल हो गया 7, 20 से भाग दीजिएगा, शेष फल हो गया 4, 20 से भाग दीजिएगा, शेष फल हो गया 13, 20 से भाग दीजिए, शेष फल हो गया 8, चलेगा। अब रुकिएगा, 13 8 21 में 20 से भाग दीजिए 1, 12 7 19 4 23 में 20 से भाग दीजिए 3, तो 3 1, फिर से बता दूं, जैसे भी बनाना, केवल 20 का टेबल तो जानते हैं ना आप लोग, और वो भी बहुत बड़ी टेबल तो है नहीं। बढ़े आगे, 19 से भाग देना, 19 57 खत्म, बच गया कितना? 19 5 95 कितना? आगे 19 से 19 कट गया, 19 4 76, जल्दी बोलिए आगे, 19 6 14 से कट जाएगा, शेष फल कितना? श्योर है? अब रुक जाइए, भाग देते गुना भी नहीं करना, 18 में 19 से भाग दीजिए, -1 होगा,
14 में 19 से भाग दीजिए, माइनस 5 होगा। अब माइनस गुने माइनस प्लस, आंसर कितना फिर से बता दे। नहीं, आपको जैसे मन है उसे बनाइए, हमारे वाले याद मत रखिए। अगर लग रहा है सर कुछ और करना है तो बोलिएगा, मैं उस तरह भी बनाऊंगा, आंसर में कोई परिवर्तन। लेकिन हम माइनस इसलिए ले लेते हैं कि हल करने में आसान हो, गुना करने में आसान। तो फिर से मैं बोलता हूं, 19 + 57 खत्म, शेषफल कितना 7। बोलिएगा माइनस 12 क्यों नहीं लिए, तो आप पहले मार मुझे, मुझे क्यों करना है, मुझे छोटा लेना है बड़ा, मेरी बात समझ में आ रही है ना। को बोलेंगे कि 19 से भाग देंगे माइनस 12 भी आएगा, भाई माइनस लेते हैं तब जब हमें छोटा करना होता है, तब नहीं। आगे 19 + 95 शेषफल कितना, तो 19 से तो कटिएगा 19 + 76 शेषफल कितना दो। आगे 19 + 14 = 114 कट गया शेषफल, जल्दी बोलिए 9। अब आप लोगों को 19 से भाग देना यही ना, चलिए 9 × 18 में 19 से भाग जैसे ही दिए, 7 × 14 में 19 से भाग दिए, जल्दी बोलिए। ये माइनस 5 समझ में आ रहा है, अब माइनस 5 गुने माइनस 1, जल्दी बोलिए। अब मन में कुछ और है तो भी बोल दीजिए, मैं समझा के निकलूंगा। 3 के विभाजता का नियम, जिसके अंकों का जोगफल 3 से कट जाए, तो अंकों के जोग में भाग देंगे तो जोड़िए 5, 15 + 5, 15 में 3 से भाग दीजिए 0, 0 पे पावर कुछ भी रहेगा 0, सही है। चलिए 4, 3, 7 और 2, 9 में 3 से भाग दीजिए और 0 पे पावर कुछ भी रहेगा 0। अभी डराया था आप लोग, डर गए, यही गलती किए। फिर से 3 के विभाजता का नियम पढ़े ना, अन्याय पढ़े तो 3 से भाग दीजिए ना, अपने आप ही 0 आ जाएगा। 3 से भाग दीजिए, अपने आप 0 आ जाएगा, और 0 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ आपको डराया गया था, बन जाएंगे। मैंने कहा पावर बहुत बड़ा हो तो केयर करना है कि शेषफल क्या लाना है 1, और नहीं आए तो रेयर केस में आप -1 लाइए, क्या लाइएगा, लेकिन मैक्सिमम शेषफल मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, 0 चाहिए और -1 चाहिए। सबसे पहले शेषफल क्या चाहिए 0, उसके बाद नहीं आया तो, और भी नहीं आया तो, अब इन तीनों के सिवाय कोई और शेषफल आया तो हम लोग को गड़बड़ करेगा, क्योंकि उतना पावर करने की ताकत हम लोगों के पास नहीं। तो हम लोग को शेषफल हमेशा क्या लाना है, लाना है 1 लाना है या -1 लाना है, सही है। अगर डायरेक्ट आ गया तब तो आपका दंगल हो गया, जैसे देखिए 32 में 31 से भाग दीजिए, 1 पे पार कुछ भी रहेगा, आंसर 1। आगे 96 में 97 से भाग दीजिए, अब -1 पे पार ऑड नंबर, -1 होता ही जानते हैं कि नहीं, तब -1 शेषफल आ रहा है, लेकिन आंसर तो माइनस में देने वाला, तो -1 बोलिए या तो 16 बोलिए बात तो, या 96 बोलिए बात तो, बराबर नहीं समझी। 96 पे पावर विद्यार्थी जी ऑड नंबर है, रखिएगा कुछ भी नहीं, मैं भाग कितना से देना है, तो 97 से इसमें भाग दीजिए, अब -1 पे पावर ऑड नंबर कितना होगा, हजार शेषफल माइनस में आने लगे तो क्या सिखाए थे 97 में से, तो 97 में से 1 घटाइए कितना बन जाएंगे। फिर से समझिएगा, अभी रटी उठिएगा नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। 79 में 80 से भाग दीजिए, अब -1 पे पावर ऑड नंबर, और जब माइनस आने लगे तो 80 में घटा दीजिए, आंसर कितना, कहीं पढ़िएगा तो नियम लिखा देगा कि ए पे पावर एन को ए -1 से भाग देने पर शेषफल 1 होता है, सब जाता नहीं है, ए -1 पे पावर एन को ए से भाग पर एन इवन हो तो 1, ऑड हो तो ए -1, इस तरह से लिखाएंगे, लेकिन इस सपना में ही रह जाता है।
तो मैं फिर से समझाता हूं, आपकी कॉन्सेप्ट अपनी होनी चाहिए। 80 से इसमें भाग दीजिए कितना, और -1 पे पावर ऑड नंबर जानते हैं ना इतना। और जब -1 आने लगे तो क्या करिएगा, 80 में घटा दीजिए। आंसर कितना, क्यों घटाते हैं बताए थे ना। नेक्स्ट देखिएगा, 22 में 23 से भाग दीजिए विद्यार्थी जी, अब -1 पे पावर इवन नंबर, और जब +1 आएगा तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। 118 में 117 से भाग दीजिए, अब 1 आएगा तो 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो बोलिए ना हाँ या ना। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।